माइक नंबर दो में अगर कोई गैर मुस्लिम भाई लाइन में हो माइक नंबर दो में तो सवाल कर सकते हैं। नमस्ते सर, मेरा नाम विक्की सोनौन है। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग। मेरा सवाल ये था कि इतने सालों से जो हमारे रिलीजियस बुक्स आए हमारे पास और हम लोग स्टडी नहीं कर पा रहे, जो आज आपने प्रोग्राम लिया जो वेद गीता में से बताए हमें, आज मैंने अभी पढ़ना शुरू किया है, मगर इतने सालों से कोई पढ़ रहा क्यों नहीं है, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? भाई ने अच्छा सवाल किया है कि हम गैर मुस्लिम अपनी मजहबी किताब पढ़ते ही नहीं। मेरी तकरीर सुनने के बाद भाई साहब ने शुरू किया पढ़ना, तो क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि अक्सर दीगर मजाहब के धर्म गुरु वो नहीं चाहते कि उनके मजहब के मानने वाले अपनी मजहबी किताब पढ़े। क्यों? क्योंकि अगर आप मजहबी किताब पढ़ेंगे तो इस दीगर मजाहब के धर्म गुरु की दुकान कैसे चलेंगी, आप समझे? तो इसीलिए जो कुरान में लिखा है सबसे बेहतरीन, जिस तरीके से गैर मुसलमान से कोई मुस्लिम बात कर सकता है, वो सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, तालो इला कलमतिन सवा इम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। इसीलिए मैं जब तकरीर करता हूं यकसानियत के बारे में करता हूं, मैं इख्तिलाफी तकरीर भी कर सकता हूं लेकिन उससे कोई फायदा नहीं। मैं चाहता हूं कि आप हक की तरफ आए, और इंशाअल्लाह मेरी अगली तकरीर जो अगले शनिचर है वो है कि खुदा का तसव्वुर मुख्तलिफ मजाहिब में, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन द मेजर वर्ल्ड रिलीजन्स। लोग धर्म गुरु ये नहीं चाहते कि उनके धर्म के मानने वाले अपने धर्म की किताब पढ़े। इसीलिए मैं कहता हूं कि हिंदू लोग, जो हिंदू है, मैंने लास्ट टाइम कहा था आजाद मैदान में जब लेक्चर हुआ था 2001 में, तकरीबन 7 साल पहले, मैंने कहा था गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट संस्कृत पे तवज्जो देना चाहिए। हिंदुओं को कहना चाहिए संस्कृत पढ़ो, अपनी मजहबी किताब पढ़ो तो आप खुदा के और करीब आएंगे, खुदा के करीब और आएंगे आप और हम में और भाईचारा बढ़ेगा। होप दिस आंसर द क्वेश्चन ब्रदर।